केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरबा में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रभु राम का ननिहाल है। कांग्रेस 70 साल से अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। छत्तीसगढ़ वालों ने 11 में से 9 सीटें देकर नरेंद्र मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने 5 साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करके जय श्री राम कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि पीएम मोदी के पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। छत्तीसगढ़ ज्यादा पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी भाई बहनों का क्षेत्र है। पीएम मोदी ने 2014 में कहा था कि हमारी जो सरकार बनेगी वो गरीबों, दलितों और आदिवासियों और पिछड़ों के लिए होगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने झारखंड, उड़ीसा, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को 5 साल में समाप्त किया है। छत्तीसगढ़ छूट गया था क्योंकि यहां भूपेश कक्का की सरकार थी। आप मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए तो साल में ही नक्सलवाद को हम जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। 70 साल से राम जन्मभूमि के मसले को अटका कर रही, लटका कर रही, भटका कर रही। अरे छत्तीसगढ़ वालों, आपने 11 में से 9 सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, एक 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। और 500 साल के बाद रामलला को पंडित कर मंदिर में नहीं बिठाया था, 500 साल के बाद हम ऐसे भाग्यवान लोग हैं जिनके जीवन में ये दिन आया कि हमने राम लला के कपाल पर सूर्य तिलक को देखा। भाइयों की मोदी जी के पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी। छत्तीसगढ़ ज्यादातर पिछड़ा वर्ग, दलित, सत्तावी समाज और आदिवासी भाइयों बहनों का क्षेत्र। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हमारी सरकार जो बनेगी वो गरीबों की होगी, दलितों की होगी, आदिवासियों की होगी।